हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल का 13वां सीजन जो खत्म हुआ था वो हुआ था यूएई में, लेकिन 14वें सीजन के लिए अभी से बीसीसीआई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार आईपीएल में 8 नहीं बल्कि उससे ज्यादा टीमें हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आईपीएल शुरू कब होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, आईपीएल 2021 में हो सकता है 9 या फिर उससे भी ज्यादा 10 टीमें खेले। इस बीच इसको लेकर बीसीसीआई की ओर से कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि बीसीसीआई की ओर से अभी तक घरेलू क्रिकेट और टीम इंडिया के स्केड्यूल को लेकर जो ऐलान किया गया है उससे काफी कुछ चीजें साफ होती नजर आ रही हैं। इस बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को जनवरी तक का वक्त मिल गया है, वो जनवरी तक अध्यक्ष बने ही रहेंगे। जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई होगी, तभी तय होगा कि सौरभ गांगुली अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर कोई बदलाव होगा। इससे पहले 24 दिसंबर को बीसीसीआई की एजीएम भी होनी है। माना जा रहा है कि इसी में शायद आईपीएल की टीमों की संख्या को लेकर कुछ चर्चा हो। साल 2021 में बीसीसीआई अपने घरेलू टूर्नामेंट का आगाज सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट से करेगा। यही बीसीसीआई का पहला टूर्नामेंट होगा और शायद इसके बाद ही आईपीएल को लेकर कुछ फिक्स्चर्स सामने आए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट जहां भी होगा सभी जगह बायोसिक्योर माहौल तैयार किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों को 2 जनवरी को जैव सुरक्षित माहौल में पहुंचना होगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सभी घरेलू इकाइयों को मेल करके बताया है कि घरेलू सीजन की शुरुआत मुश्ताक अली ट्रॉफी से होगी। रविवार 10 जनवरी 2021 से टूर्नामेंट शुरू होगा और फाइनल 31 जनवरी 2021 को खेला जाएगा। जय शाह ने हालांकि कहा कि रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी पर फैसला मुश्ताक अली के ग्रुप चरण के मैच पूरे होने के बाद किया जाएगा। बताया जाता है कि मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीसीसीआई इस ट्रॉफी के तुरंत बाद फरवरी में आईपीएल के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन करना चाहती है। मुश्ताक अली ट्रॉफी भी टी20 फॉर्मेट में होता है। इस ट्रॉफी में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद टीमों के लिए आसान हो जाएगा कि वो नए खिलाड़ियों का अपने लिए सिलेक्शन कर लें। इस बार ऑक्शन का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार 9 या 10 टीमें हिस्सा ले सकती हैं। अगर टीमों की संख्या बढ़ेगी तो फिर ये जरूरी हो जाएगा कि आईपीएल का ऑक्शन हो। 31 जनवरी को ऑक्शन के बाद फरवरी के पहले हफ्ते में ही आईपीएल 2021 का ऑक्शन हो जाएगा। आईपीएल ऑक्शन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आईपीएल 2021 कब से शुरू होगा, तो इसका जवाब भारत इंग्लैंड के बीच जो सीरीज खेली जाएगी उससे पता चलता है। अभी तक बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू करता है और फिर ये मई तक चलता है, लेकिन इस बार आईपीएल का पहला मैच मार्च में नहीं बल्कि अप्रैल में खेला जा सकता है। दरअसल टीम इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, वहां 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलकर टीम इंडिया भारत वापस लौटेगी। इसके बाद इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी। इस सीरीज की शुरुआत टेस्ट मैच से होगी। पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसके बाद सबसे आखिर में वनडे सीरीज होगी और इस सीरीज का आखिरी मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। यानी किसी भी सूरत में मार्च में आईपीएल की शुरुआत नहीं हो पाएगी। पूरी संभावना है कि इस सीरीज के तुरंत बाद आईपीएल 2021 शुरू हो जाएगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली लगने के बाद ही बीसीसीआई की ओर से स्केड्यूल का ऐलान भी किया जा सकता है। साथ ही इस बार आईपीएल भारत में ही होने की संभावना है। पिछले दिनों बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भी कहा था कि आईपीएल 2021 भारत में ही होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि तब तक कोरोना वायरस का क्या सीन रहता है। अगर वैक्सीन की व्यवस्था हो जाती है जैसा कि अभी तक खबरें आ रही हैं, तो फिर ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि आईपीएल भारत में ही होगा। तो भारत इंग्लैंड सीरीज के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि आईपीएल 2021 का स्केड्यूल क्या होगा। अगर आपकी भी इस वीडियो को लेकर कुछ राय है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।